मॉर्निंग गाइस, आज हमारे यहाँ चिकन बनने के लिए जा रहा है। और ये देखिए, पहले कढ़ाई में तेल दिया जाता है, ये तेल दे दी, ये प्याज है, ये चिकन है, इसको अच्छी तरह से धो दिया गया है। फिर इसमें जीरा दिया जा रहा है, जीरा को लाल करके भूंजा जा रहा है। जीरा अच्छी तरह से लाल हो गया, अब इसमें मिर्च दिया जा रहा है, उसके बाद प्याज दिया जा रहा है। गाइस ये देखिए प्याज, उसके बाद नमक, प्याज में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा नमक। फिर इसको प्याज को धीमी आंच में पकाना है, अच्छी तरह से इसको पकाना है गाइस। फिर पांच मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से लाल होने के लिए इसको ढक देना है। ये देखिए गाइस, 5 मिनट हो गया, प्याज को अच्छी तरह से लाल कर लेना है। अभी इसको और लाल करना है। ये देखिए गाइस, चिकन के लिए ये सब अभी पिसा जाएगा चिल्ला लोढ़ी में। इसको क्या क्या है, ये आदी है और जीरा मिर्च और सूखा मिर्च है, इसको अच्छी तरह से पीस लेना है गाइस। इसको पीसने के बाद ये पीसेगी आदी। ये देखिए गाइस, प्याज अब अच्छी तरह से लाल हो चुका है, अब इसमें चिकन डालना है। चिकन को डाल दिया गया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक देना है। जीरा मिर्च और आदी और मिर्ची पिसा लिया गया है गाइस, अब लहसुन को पिसा जाएगा। इसको अच्छी तरह से लाल किया जा रहा है। अब इसमें हल्दी दिया जाएगा, हल्दी को मिक्स किया जाएगा चिकन में। हल्दी देने के बाद इसको ढक दिया जाएगा 10 मिनट तक, अच्छी तरह से ये लाल हो जाएगा। अब लहसुन को पिसा जा रहा है, अब ये लाल हो चुका है गाइस। अब इसमें मसाला दिया जाएगा, जो मसाला पिसा गया था वो इसमें दिया जा रहा है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो रहा है।